मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजेश, यू वाचिंग माय प्रोसेस। आपको पता चल गया मैं कहाँ हूँ, नेक्सॉन के स्वरूप पे हूँ, सॉरी मैं टाटा के स्वरूप पे हूँ। और यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मैं जो रिव्यू करना चाहता सारी गाड़ियाँ मिले, जिसमें नेक्सॉन है, नेक्सॉन की ईवी है, हैरियर है, फेसलिफ्ट, सफारी की फेसलिफ्ट है, इनफैक्ट पंच आ चुका है, पंच का ईवी आ चुका है जो टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल है, तो मैं आज वो करने वाला हूँ। तो केएसटी मोटर्स में है, विच इज़ इन कुंदन हाली। अरे मैं आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है और हम क्या करने वाले हैं। ये पंच है ईवी, ईवी में इसका भी रिव्यू करने वाला हूँ। दो गाड़ियाँ मैं रिव्यू करूँगा आज, क्योंकि और ये आप देख सकते हैं, दिस इज हैरियर ऑफ कोर्स, जो हमारे पास है गाड़ी। मेरी हैरियर को दिख रही होगी, वहाँ देखिए खड़ी है सामने बाहर। तो मैं आज इसके करूँगा नहीं, मैं बाद में करूँगा, हालाँकि मैं थोड़ा सा लुक दे देता हूँ कैसा है देखिए अंदर। ओहो, मुझे बाद में खरीदनी चाहिए थे यार, क्या सच है, क्या कलर कॉम्बिनेशन। अभी देखिए ये है सफारी फेस लिफ्ट जो जा रही है बाहर। अच्छा अभी मैं करूँगा, किसी गाड़ी नेक्सॉन करने वाला हूँ बताता हूँ मैं। दिस इज़ नेक्सॉन ईवी, जो अगेन मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं करने वाला हूँ। बट आई एम गोइंग टू डू द रिव्यू ऑफ दिस कार विच इज़ पंच ईवी। देखिए यहाँ खड़ी है, ये मैं रिव्यू करने वाला हूँ आज फॉर श्योर। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं टाटा नेक्सॉन से, आपको पता है। और ये देखिए पंच ईवी खड़ी है पीछे हमारे, पंच की ईवी जो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, यही पंच ईवी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पांच ईवी, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है अभी पूरे इंडिया में। जब से लॉन्च हुआ है बहुत सा रेंज दे रहा है, बहुत सा प्राइस रेंज टाटा ने फिर से लॉन्च किया है। इसके पहले आपको पता है नेक्सॉन की ईवी आ चुकी है, दो वेरियंट है, एक हाई रेंज का है 400 प्लस का, एक 300 प्लस का, और दूसरी है टिगोर का आया है। इवन रिसेंटली अभी उनने इनका भी किया है, टाटा का एक और है छोटी गाड़ी, हैचबैक नाम मैं भूल रहा हूँ। टिगोर हो गया, पंच हो गई अब सेकंड, और थर्ड हो गया टाटा नेक्सॉन। टियागो का भी ईवी आया, टोल चार ईवी है। एक और बहुत ही खतरनाक आने वाला है कर्व, आपको सबको पता होगा बहुत ट्रेन कर रहा है इंटरनेट पर, कर्व लॉन्च होने वाली है, उसका मैं कवरेज अलग से करने वाला हूँ, उसका लॉन्च इवेंट में अटेंड करूँगा। कर्व जो कि एक प्रीमियम एक्सयूवी आने वाली है टाटा की ईवी का, जो कि बहुत बड़ा भूचाल लाएगा ईवी में। तो अभी चलते हैं, पहले इस गाड़ी को टेस्ट करते हैं ड्राइव करके, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। फीचर्स वगैरह जैसा मैंने दिखाया सब सिमिलर ही रहे, जो जो भी सारे टाटे में आ रहा है, DRL आ रहा है, आपको LED आ रहे हैं, प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं LED दोनों। इंजन इसमें होता नहीं है, इसमें भी 360 कैमरा है, सारे बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं। देखिए 360 कैमरा जो कि बहुत अच्छा है, अभी पंच में आ गया 360 कैमरा, और अब वो क्या चाहिए, नेक्सॉन में था ही, अभी हैरियर में आ चुका है, सफारी में आ चुकी है, अब पंच में भी 360 कैमरा है। तो चलिए ड्राइव करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए बैक वही पंच का जो है बिल्कुल सेम व्यू है, बस इसको ईवी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैचिंग है, punch.ev एंड व्हील्स आपको रिम्स आ जाते हैं एलॉय कट के, तो यहाँ 16 इंच का है, 16 इंच का डायमंड कट एलॉयज है। और देखिए यहाँ पे 360 कैमरा, इसका फीचर हम अंदर जाके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको वही सिमिलर कंट्रोल जो पुराने पंच में है रेगुलर वाले में फ्यूल में वो आ जाती है, और फिर से जैसा टाटा अपने सब में सिस्टम डाला है, देखिए पुश टू स्टार्ट है यहाँ पे, सीट बेल्ट, सो विल जस्ट पुट इट हियर। तो टाटा की बैजिंग हमने देखा क्लस्टर पे सेम, इसमें भी जैसा भी हमने नेक्सॉन में भी देखा सेम, सब कुछ सेम है, बस टच एंड फील थोड़ा अलग है क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है इसमें नेक्सॉन से, बाकी स्टीयरिंग सिमिलर है, अभी टाटा ने स्टैंडर्ड कर दिया इस चीज़ को। उसके अलावा क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें भी डिजिटल है, और बिल्कुल एक्जैक्टली जैसे नेक्सॉन में दिया गया, आपको सारे फीचर्स यहाँ भी मुझे देखने को मिल रहे हैं, सेम उसी टाइप से आपको अप एंड डाउन पुश करके, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे होते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल में, आपको फैन का स्पीड और टेम्परेचर कंट्रोल करने का, 360 कैमरा यहाँ भी दिया हुआ है, विच इज़ अगेन यू नो सिमिलर फीचर आप देख सकते हैं, जो कि इसका फोर्स में आ जाता है। ये है पंच, विच इज़ योर ड्राइविंग, तो आप देख सकते हो पंच में सारे फीचर्स आ गए जो कुछ दिन पहले सफारी और हैरियर में भी मिसिंग था। और देखिए कितना प्यारा इसमें बटन है सब कुछ, आपको रिवर्स जाना है, न्यूट्रल ड्राइव मोड है ना, ये दिस इज़ फॉर अगेन, देखिए इसमें आपको जो हैजार्ड्स लैंप होता है वो भी टच दिया हुआ है, स्टीयरिंग पावर है बहुत ही स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट, थोड़ा भी पहले तो फर्स्ट व्हील ड्राइव इन इको मोड है ना, लेट मी टेक रिवर्स। तो दिस इज इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी विच वी आर ड्राइविंग नाउ, साइलेंट ऑफ कोर्स, कोई केबिन में नॉइज नहीं है, एंड पता भी नहीं चल रहा है कि हम लोग जा रहे हैं। 94 रेंज है, चार्जिंग कितना है इसका? 94 रेंज अभी दिखा रहा है, 94 किलोमीटर रेंज, हाँ मतलब 46% पे 94 दिखा रहा है, हाँ कि आपको पता है कि जितना दिखाता है उससे ज़्यादा हमेशा निकाला जा सकता है, कि एवरेज ही दिखाया जाता है सिटी में जो भी ड्राइव हो रहा है उसके हिसाब से। पावर आप देखिए, हम लोग फाइव पेडल्स हैं और पावर देख सकते हैं, जबकि ये इको मोड है, राइट, दिस इज इको मोड, यस सर, सिटी मोड है। अगर आप
स्पोर्ट्स चलते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको पावर जरा मैं दिखाऊं। स्पोर्ट्स मोड का पावर देखिए, ओह डैम, सही है, पंच है और एकदम पंच मार रहा है ये, इतना पावर है, काफ़ी पंच है इसमें। एंड मैं क्या ही बात करूँ, ईवी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आज तक मैंने जितने ईवी भी अभी रिसेंटली हमने किया का भी किया था, ईवी 6 पहले एमजी किया था, ईवी का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता आज के रेट में, मतलब इन टर्म्स ऑफ पावर और पैसे का बचत होती है बहुत ज़्यादा, 1/8 तक कॉस्ट पड़ता है इसमें, सर्विस नहीं होती ईवी का और इवन अलाइनमेंट तक नहीं ज़रूरत पड़ता है, तो ये आपको बता होना चाहिए। तो अगर आप ईवी प्लान कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है टू गो फॉर ईवी, गो ब्लाइंडली, उसमें कोई दूसरा शक नहीं है। आप देखिए टाटा इतनी खतरनाक गाड़ी लाई है जिसमें जो कम प्राइस रेंज का है, ये गाड़ी कम प्राइस रेंज भी है आपका 10-12 के आसपास का। मैं इनसे पूछ के एग्जैक्ट बताऊँ क्या क्या वेरियंट आ रहा है, उसके पहले मैं बता दूँ कि इस गाड़ी का अभी डिमांड सबसे ज्यादा मार्केट में, क्योंकि आपको पता है ये कॉम्पैक्ट एसयूवी से थोड़ा एक यू नो लोअर वर्जन में आता है, एक ऐसा वेरिएंट लाया है पंच जो आपको एसयूवी का भी फील देता है, रूम्स मतलब कार के अंदर जो है आपका अच्छा खासा रूम भी है, आपको स्पेस बढ़िया है, आपको बढ़िया कंट्रोल भी मिलता है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड सेकेंड इज प्राइस रेंज का, सबको एक चिंता होती थी कि प्राइस रेंज और रेंज अच्छा हो जाए, अच्छी गाड़ी में जो फीचर्स है इसमें आपने देखा सारे फीचर है, 360 कैमराज हैं, मतलब भाई आपको जो सारी गाड़ियों में फीचर आ रहे हैं सब आपको यहाँ मिल जा रहा है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। देखिए सारे फीचर्स है, वेंटिलेटेड सीट्स इसमें भी है, मैं देख पा रहा था यहाँ, देखिए यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट ऑन करने का ऑप्शन दिए हुए, तो वेंटिलेटेड सीट है, बाकी सारे कंट्रोल्स हैं एंड क्रूज, हाँ क्रूज भी है, आई कैन सी क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे है, बाकी सारे डिवाइस हैं और ये स्मार्ट जो आपको आ रहा है ये यू नो एलईडी स्क्रीन, एलईडी में टच है, इस पर डिजिटल दिया हुआ है टाटा का जो लोगो आ रहा है, जो भी सारे स्टैंडर्ड कर दिए गाड़ियों में, तो आपको जो फीचर चाहिए रहता है गाड़ी में सब कुछ है। ऑन एबव दिस इज एन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपको पता है अगर आप रिसर्च नहीं किए रिसर्च कीजिए कितनी कॉस्ट सेविंग होती है इसमें। और देखिए सनरूफ भी मिला है, मैं आपको बता दूँ, देखिए सनरूफ भी है यहाँ पे, कॉन्टिनेंट आ दिए हम, तो मैं बोला ना आपको जो फीचर आप एक अच्छी गाड़ी में खोजते हैं आपको सब कुछ इसमें टाटा ने दे रखा है। तो आप अगर ईवी का ऑप्शन खोज रहे हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। मैं इनसे पूछूंगा, संदीप हमारे साथ है, संदीप व्हाट इज द प्राइस रेंज डिफरेंट वेरिएंट्स एंड व्हाट इज द रेंज आल्सो, हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन वी ड्राइव? सर रेंज वाइज यू हैव टू रेंज ओवर हियर, ओके, जस्ट 315 किलोमीटर, ओके, एंड 421 किलोमीटर्स, व्हिच इज द लॉन्ग रेंज, 315 and 421 दिस कार, यस 315 एंड 421 किलोमीटर, टू रेंजेस आते हैं, ग्रेट मैन, आई वाज नॉट नोइंग दिस। 315 में इट्स कंपनी क्लेम, सो कस्टमर फीडबैक अब 215 यू विल बी गेटिंग अराउंड 220 to 240 इकोनॉमी विद एंड विद एसी, ठीक है, एंड 421 किलोमीटर्स व्हिच इज अ लॉन्ग रेंज, ठीक है, सो कंपनी हैज क्लेम दैट कस्टमर फीडबैक इट्स अराउंड 360 to 370 ओके पर चार्ज, नॉट बैड नॉट बैड। एंड व्हाट इज द प्राइस रेंज? प्राइस रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 11 पॉइंट, जस्ट अ सेकंड, 11 सम चेंज, राइट? हां 11 चेंज एंड इट्स अप टू 16.85। ओके सर दर आर टू वेरियंट जैसा संदीप ने बताया, दर आर वन इज विच इज अराउंड 300 चेंज किलोमीटर, 315 किलोमीटर्स का रेंज है जो भी 88 दिख रहा है, एंड अनदर वन अनदर वेरियंट इज 400 लॉन्ग रेंज 421 किलोमीटर है रियल टाइम को 350, इनफैक्ट मैं आपको ये बताता हूँ अप टू 400 यू कैन गेट इट, अगर आपको थोड़ा सा प्यार, आपको पता है मैं हैरियर में अप टू 20-22 माइलेज निकालता हूँ, बहुत लोग 7-8 डबल डिजिट टच भी नहीं कर पाते हैं, तो डिपेंड करता है ड्राइविंग पे, उसके बहुत सारे उपाय हैं कैसे आप रेंज बढ़ा सकते हो। अगर हालांकि आज के डेट में आप जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ ईवी में कि जरा इनफ चार्जिंग स्टेशन आपको पता करना पड़ेगा, बस ऐप से चेक कीजिए, टाटा का ऐप है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको मिलता है, ऑन एवरेज 100 to 150 किलोमीटर में अवेलेबल है, तो कहीं कोई चक्कर नहीं है कि आप ड्राइव नहीं कर सकते, बैंगलोर में हो, नॉर्थ इंडिया जाना, कहीं भी जाना हो। इनफैक्ट मैं जैसे लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ K2K करेंगे, लद्दाख करेंगे ईवी से, सो दैट के नो ये जो एक फॉर्म मतलब एक डर है फियर है उसको खत्म किया सके, बट उस पर हम बात करेंगे। तो जैसे संदीप ने बताया कि दो वेरियंट है, एक 12 lakhs के आसपास का है, right? Starts from 11 lakh 92 and it's up to 16 lakh 82 पे डिपेंड करता है, दो है लॉन्ग रेंज एक शॉर्ट रेंज का है, एंड शॉर्ट रेंज भी 300 प्लस है क्लेम्ड जो कंपनी करती है, तो 250 प्लस आप आराम से ए सी एंड इकोनॉमिक निकाल सकते हो, थोड़ा सा रफ नहीं चलाएं तो, विच इज वेरी गुड अगेन। एंड जो 400 प्लस का रेंज है वो भी बहुत अच्छा है इस प्राइस रेंज में, मेरे ख्याल से देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, मैं कॉन्टैक्ट नंबर इनका डाल दूंगा संदीप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको टेस्ट ड्राइव करनी हो। एंड आई एम डूइंग ड्राइव नियर दिस कुंदन हाली KST मोटर्स टाटा का है जहाँ से हम कर रहे हैं, तो देर वेरी कोऑपरेटिव, उनका डिटेल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं अभी हम लोग ट्रैफिक में चल रहे हैं 42-43 की स्पीड में, एंड काफ़ी कम्फर्ट है, नॉइज़ नहीं है कैबिन में, प्लस क्या होता है इसमें जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इसमें द बेस्ट पार्ट इज़ वेन यू अप्लाई ब्रेक्स और यू जस्ट रिलीज द एक्सेलरेशन ये चार्ज होने लगती है बैटरी, राइट? इसमें भी वो सिस्टम है, कर्व सिस्टम,
kinetic energy? You do have, sir. You do have. There's three level of regen mode. Okay. And that depends 1 to 3 you can set, yes, right? Level 1, level 2, level 3. So, उतना fast charge करेगा उतना fast braking भी होगी. आप set कर सकते हैं. Highway पे हैं तो काफी benefit होता है. आप जो छोड़ते हो तो battery recharge होती है. और real time recharge होती है. ऐसा नहीं कि सिर्फ show करता है. ये आप कब check करोगे? When you want to downhill. अगर मान लो ऊटी गए हो नीचे आ रहे हो. आप छोड़ दे रिलीज करके भाई उतरने से गाड़ी आपकी बैटरी इनफैक्ट 15-20% चार्ज हो जाएगी जब तक आप नीचे उतरोगे. रेंज भी आपका बढ़ जाएगा. ये प्रैक्टिकली होता है. ये बहुत अच्छा ये टेक्नोलॉजी है. बेसिक इसमें वही जो आप जो मोटर होता है वो जनरेटर काम करने लगा होता है रिवर्स वे में. जिसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पता होगा समझ पा रहा होगा. तो इसमें और कोई तो चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बट हाँ वो इसमें दिया जाता है विच इज़ अगेन वेरी गुड. देखिए यहाँ भी वो फीचर है जो नेक्सॉन या दूसरी गाड़ियों में आ रही है. व्हेनेवर यू पुट इंडिकेटर राइट और लेफ्ट हैंड आपको ब्लाइंड स्पॉट दिखाया जाता है. 360 कैमरा का जो आपको दिया हुआ इंफोटेनमेंट सिस्टम उसी डैशबोर्ड पे आपको मिलता है. एंड बहुत स्मार्ट है. इसमें भी सेंसर्स हैं कोई अगर आसपास ट्रैफिक में होती है पता चलता है. आइए एक बार थोड़ा सा पावर चेक किया जाए स्पोर्ट्स मोड में. आप देख सकते हैं अभी 24 किलोमीटर के स्पीड में हम प्रेस करते हैं पैडल को. वेल टू सी वी एंड स्पोर्ट्स मोड अभी जीरो है और हम प्रेस कर रहे हैं जबकि 5 चाहिए. 5 लोग बैठे हैं 5 एडल्ट्स. आप देख सकते हैं स्पीड. हालांकि हाईवे पे उतना रूम नहीं है कि भाग सके. मैं देखिए 68-70 कितना फ्यू सेकंड्स में पहुंच गया था चुटकी में. ये है पावर भैया ईवी का. ईवी का तोड़ मिजा मैंने बताया. कोई हैक नहीं है कोई गाड़ी इसको कन्वेंशनल कार. ये BMW है इसको भी पछाड़ देंगे अगर हमारे पास थोड़ी सी और पावरफुल होगी ईवी तो. तो ऐसा है ये बड़ी जो आप 2 करोड़ की गाड़ियों में जो पिकअप मिलेगा वो इसमें मिल जाता है आपको 20 लाख के अंदर. ईवी का ये है पावर. और इसमें बेसिकली बात है कि आप में इसमें गियर बॉक्स नहीं होता. आपको ट्रांजिशन में टाइम नहीं लगता है. ट्रांसमिशन में जो पावर होता है इमीडिएट टॉक मिलता है और बहुत ही खतरनाक पावर आता है. कंट्रोल भी रहता है उतना अच्छा. तो ईवी जिसने नहीं चलाया आप चलाएं एक बार आकर. KST मोटर्स आ जाएं यहाँ पे. डू अ टेस्ट ड्राइव. टाटा का करना है उसका करना है. हैरियर का भी आने वाला है. ईवी टेस्ट ड्राइव कीजिए तब पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बात बोलता हूँ ईवी के बारे में. देख सकते हैं ट्रैफिक में हम लोग चल रहे हैं. जहाँ अप्लाई करता हूँ ब्रेक वहाँ रिचार्ज होती है बैटरी. एंड देन चार्जिंग एलईडी अच्छा ओपन प्लीज क्लोज. अच्छा ये आगे का ओपन रह गया राइट. दैट चार्जिंग का जो क्योंकि इसमें फ्रंट में आपको पता है फ्रंट जहाँ पे लोगो होता है उसके नीचे वहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ था इलेक्ट्रिक का. ये इस गाड़ी का ओपन है तो ये वार्निंग आ रहा है यहाँ पे. लगता है किसी ने इसको क्लोज नहीं किया. तो ये भी अच्छा फीचर है अगर आप कुछ ओपन छोड़ते हो तब वो क्लोज करवा लिया जाएगा. और सीट बेल्ट्स का आपको वार्निंग आता है. यहाँ पे पेडल दिया हुआ शिफ्ट आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट. कभी अगर मैनुअल मोड वाला फील आपको लेना हो तो जैसे ऑटोमेटिक कार्स में होती है. अच्छा दिस इज फॉर ये राइट. ओके सो दिस यू कैन इंक्रीज लेवल बोलते हैं 1-3 डिक्रीज. अच्छा सेट कि वो कहाँ काम करती है. अगर आप हाईवे पे चल रहे हो कहीं भी सिटी में भी उतनी फास्ट ब्रेकिंग होगी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल में चार्ज होगा. उसके लिए है वो सेट कर सकते हैं. हालांकि दूसरी गाड़ियों में इसको गियर चेंज करने में शिफ्ट करने में पैडल जो शिफ्ट पैडल बोलते हैं इसको आता है. तो देख सकते हैं गाइस ईवी बहुत ज़्यादा डिमांड में है. ये जो नेक्सॉन की पंच की ईवी है अभी भी लॉन्च हुआ है विद इन आई थिंक 10 डेज हुआ है राइट. इट्स बीन 2 वीक्स 1 वीक राइट 1 वीक. हाँ तो देखिए बहुत जल्दी फर्स्ट वीक में ही हम इसको टेस्ट ड्राइव करके आप लोगों के लिए ला रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी लोगों ने पूछा था मुझे कि इसका. बट KST में सबसे पहले गाड़ी आती है यहाँ पे बैंगलोर में और सबसे पहले बलिंग वगैरह यहाँ होता है. अच्छा प्राइस है. ये आपको कोट भी करते हैं कि इनका जो कंडीशन है कोई बीट नहीं कर सकता बैंगलोर में या किसी लोकेशन पे कर्नाटक में. तो आप एक बारी वो चीज़ आप यहाँ आके देख सकते हैं. बैंगलोर में खास करके मुझे लगता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग RTO चार्जेस होते हैं तो बैंगलोर का प्राइसिंग का गारंटी वो लेते हैं कि नोबडी कैन बीट यू. आप आ सकते हैं हमारे रेफरेंस से थोड़ा वो सर्विस में आपको फ़ायदा हो जाएगी. प्राइस में भी कुछ अगर डिस्काउंट होने का स्कोप रहेगा तो डेफिनेटली विल कंसिडर. तो देखिए स्पीड देखिए पावर देखिए. ये है भैया ईवी. बिल्कुल रॉकेट वाली फील आती है विदाउट एनी हेजिटेशन. कोई लैग नहीं है. प्रेस कीजिए उड़ जाइए. तो ईवी का मैं जैसे बताया आप आंख बंद करके ब्लाइंड बोलते हैं ना ब्लाइंडली आप बाइक कर सकते हो. तो ट्रायल लीजिए आ करके. मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है. बाकी फीचर्स बात कर लिया. ये सब वही पुराना जो आपका पंच में था वही है सब कुछ. बस इंफोटेनमेंट सिस्टम बदल गया है. ये बदल गया है डैशबोर्ड बदल गया है. पूरा डिजिटल हो गया है. क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 360 कैमरा इसमें आ गया है. वेंडेड सीट्स आ गया. ये सभी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो पहले वाले में नहीं थे. और ये पूरा का पूरा टच पैनल में आ गया है एक्सेप्ट 2 बटन्स जिसमें आप AC को कंट्रोल करते हो टेम्परेचर एंड फैन को AC का. ये 2 के अलावा सब कुछ टच है जितना आपको दिख रहा है. तो ये बहुत एक शानदार फीचर है वो भी. तो चलते हैं आगे. उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ और बाकी होगा. बूट वगैरह मैं दिखाता हूँ कितना है नहीं है. हालांकि आपने पंच जिन्हें पहले देखा है बिल्कुल सेम है बस मैकेनिज्म अलग है. दिस इज़ ईवी वर्सन. बट फिर भी मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगा. और स्पीकर्स वगैरह मैं प्ले नहीं कर सकता. स्पीकर्स अच्छे हैं हरमन के राइट. यस हरमन स्पीकर्स होते हैं. टाटा भी वाई डिफॉल्ट देती है क्योंकि बहुत अच्छे स्पीकर हैं. आप नेक्स्ट वन में भी देखते हैं हरमन और JBL भी उसमें आता है टॉप एंड में. तो
मैं भी नहीं प्ले कर सकता कॉपीराइट की वजह से, अदरवाइज अच्छा है म्यूजिक सिस्टम, दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड पावर तो बहुत मस्त है, जहाँ रोड खाली मिल रही है वहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको भी हाईवे पे आना पड़ेगा गाड़ी लेकर के, तभी एक्सपीरियंस होगा। स्टे ट्यून्ड, थोड़ी देर में मिलता हूँ फिर से।